हेलो दोस्तों, पिछले पे 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है और इसको रिडीम कैसे कर सकते हैं, इसको 50% ऑफर कैसे ले सकते हैं, ये कोड को कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, वो ऑफ 50 को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम लोग 50% ऑफ हो जाएगा और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये 50% ऑफ जो ये आप देख सकते हो, ये सिर्फ 20 सितंबर तक अवेलेबल है। अभी कितना तारीख है, लगभग 12 तारीख है आज के दिन, लगभग अब से लेके यानी कि 8 दिन का आपके पास वक्त है। ठीक है, 8 दिन या 7 दिन, आज तो पूरा शाम रात हो ही गई है। ठीक है, तो फिर अभी इसको रिडीम कैसे करें, जैसे कि इसमें से बहुत सारे कोई प्रोडक्ट काफ़ी बड़ी फाइल भी है और ज़्यादा फाइल भी मिल रही है, मगर प्राइस भी सही है, मगर इसके अंदर भी 50% और ऑफ हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर से एक आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मैं इसको ही ले लूँ, जैसे ये 49 का है, ठीक है, तो इसको मेरा 50% ऑफ करने का है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके लिंक पे जाता हूँ, इधर पे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो इसके व्यूज़ वगैरह कैसे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड कार्ट, यहाँ से ऐड कार्ट करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग कर सकते हैं उसको आगे प्रोसेस। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कार्ड कर सकते हो। ऐड कार्ड करते हो तो आपका इधर पे आ जाता है, ऐड कार्ड करने पे आपको इधर मैसेज भी आ जाता है साथ में कि आपका ऐड कार्ड किधर पे है। ठीक है, जैसे मेरे को और भी कुछ चाहिए, जैसे कि मटेरियल भी है, वाओ, तो मटेरियल को भी मैं सेलेक्ट करके ले सकता हूँ, तो मटेरियल भी ले सकता, कुछ ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, 10 रुपये का ही यार, मस्त है, मस्त मटेरियल मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो फिर ऐड कर लेता हूँ तो भी, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ व्यू। अभी ऐड अपने कार्ड पर जाता हूँ, कार्ड पर जाके वहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा मेरे ख्याल से अपने कूपन को अप्लाई करने का। ये रहा मेरा कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन, यहाँ पर है कूपन। तो यहाँ पर मैं अपना वाओ कूपन कोड डाल देता हूँ यहाँ पर एंड अप्लाई करता हूँ कूपन कोड। ओके, कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। ओ वाओ, क्या बात है, 50% पूरा इधर पे रिमूव हो चुका है, यानी कि वो हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 29 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, इसको मैं बाय कैसे करूँगा, प्रोसेस टू चेकआउट कर लेते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर कुछ डिटेल मेरे को डालने पड़ेंगे, अपने नाम और सब सारी चीज़ें डिटेल्स, अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल देता हूँ। इधर पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ दिख रहा है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है साथ में या फिर नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, सिर्फ आपका ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए, आपके ईमेल आईडी पे वो जो भी आप डाउन ये जो बाय किया है आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, अगर आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट करना है तो, अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट भी साथ में क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करोगे तो क्या होगा, फ़ायदा आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा और साथ में आपके इस ईमेल के अकाउंट पे भी आ जाएगा, दोनों जगह पे आपके साथ आ जाएगा। मैं इधर पे अपना अकाउंट अभी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली अभी कर रहा हूँ, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया एंड कर देते हैं। अभी यहाँ पर पेपाल का दिखा रहे थे, ज़्यादा पे यू मनी वो है इंडियन के लिए, जो इंडियन यूज़र्स हैं, पेपाल जो बाहर के यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं पे यू मनी ले रहा हूँ एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं एंड इधर पे करते हैं आगे प्रोसीड। बस आपको ध्यान देना आपका ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर प्रॉपर होना चाहिए और एड्रेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, बाकी तो आपका ईमेल आईडी और नेम और प्रॉपर होना चाहिए। इधर पे आ गया है मेरा ये ऑप्शन, इधर पे बैंकिंग ऑप्शन, ईएमआई ऑप्शन। अभी छोटे से ऑप्शन अमाउंट के लिए क्या ईएमआई करूँ, मैं वॉलेट पे कर सकता हूँ, अपना पेटीएम के थ्रू पे कर सकता हूँ। पेटीएम के थ्रू मैं अपना पेटीएम पर डाल देता हूँ इधर पे एंड पे कर देता हूँ यहाँ से। पेटीएम मेरा कोड आ चुका है, कोड मेरा अपना अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, कोड अप्लाई कर दिया एंड वेरीफाई हो गया एंड मैं इसको कर देता हूँ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर मेरा पेमेंट डन हो गया है, तो इधर पे मेरा ये भी हो गया है कंप्लीट ऑर्डर। ओके, यहाँ पर मेरा कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है और इधर मेरे ईमेल आईडी पे चले गया होगा, मेरे ईमेल आईडी पे इधर पे शिपिंग में ओके, ठीक है, यानी कि आ गया होगा वो, इधर पे दिखा रहा है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, मगर थोड़ा टाइम वेट भी कर लेना है अगर नहीं गया हो तो। अगर नहीं गया तो आप ईमेल कर सकते हो इसके क्या बोलते हैं ईमेल आईडी पे, मगर फिलहाल तो आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इधर पे आप देख सकते हो मेरे को दो ईमेल आए हैं, दो ईमेल यहाँ पर 5:17 में कंप्लीट ऑर्डर का भी आ गया। यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर में आप देख सकते हो एंड एक पे यू मनी का ऑप्शन आया है, पे यू मनी यानी पे यू मनी से कितना
पेमेंट मैंने किया हूँ और इधर पे आया है ये कंप्लीट ऑर्डर का, दो ईमेल आ गया है, दोनों ईमेल में अलग अलग है, यानी दोनों ईमेल में एक ऊपर की तरफ एक ईमेल में आपको जो पिक्सनरी की तरफ से आया उसके अंदर आपको इधर पे दोनों के डाउनलोड लिंक मिल जा रहे हैं, नो एवर एक्सपायर यानी कभी एक्सपायर नहीं होगा, वाओ ठीक है। तो इधर पे मैं क्लिक करके डाउनलोड कर सकता, जैसे कि मेरे को इंटीरियर जो इंटीरियर का मॉडल था वो ले सकता हूँ, इधर पे टेक्सचर जो थे वो ले सकता हूँ। तो इधर मैं क्लिक करके डायरेक्टली मैं क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड कर लेता हूँ, तो चेक भी करेंगे कैसा मॉडल है, कैसा ये भी है डाउनलोड, ये भी कर लेते हैं डाउनलोड 51 MB, इतना बड़ी साइज नहीं है, फटाफट हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, ये मेरा इंटीरियर डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ का कैसा दिख रहा है ये एक्सट्रैक्ट, कुछ सारी चीज़ें इसमें है क्या नहीं, ये रही उसकी मैक्स फाइल, वो कर लेता हूँ मैं ओपन, या फिर उसका पाथ ले लेता हूँ यहाँ पर एंड ओपन कर लेते हैं। ओह वाओ क्या बात है, पूरा पूरा इसके अंदर लाइटिंग वगैरह सब कुछ की गई है, तो पूरा मॉडल है परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। मैं रेंडर करके भी चेक कर सकता हूँ कि कैसा रेंडर आ रहा है इसमें, रेंडर करके देखते हैं क्या बात है। इधर रेंडर किया, फाइल ओपन किया, रेंडर किया, लाइटिंग वगैरह सब कुछ सेट है, रेंडर सेटिंग भी सेट है, रेंडरिंग भी सही आ रही है। अभी आप बोलोगे मेरे में इतने बॉक्सेस क्यों बने, क्योंकि मेरा जो पीसी है काफ़ी फास्ट है, यानी कि मेरा राइजन 9 वाला जो पीसी है जिसके अंदर 24 थर्ड्स एंड 12 कोर है, तो 24 थर्ड्स में से 24 बॉक्सेस बन जाते हैं इसके ज़रिए, 24 नोट्स बन जाते हैं, जैसे 24 आपको देख रहे होंगे 24 बॉक्सेस बन रहे हैं, इतने फटाफट हो जा रहा है रेंडर इसमें, ठीक है। तो काफ़ी फटाफट भी हो गया रेंडर, बस बोले पूरे हाफ SD का इस साइज़ है, क्या बात है, लुक भी काफ़ी अच्छा है, मटेरियल भी सही है, क्या बात है। अभी उसको भी चेक कर लेते हैं जो हमने मटेरियल डाउनलोड किया था, उसको भी देख लेते हैं, मेरा मटेरियल वाला फाइल किधर गया, गिरा, भी ओपन करके देख लेते हैं कि ये है कैसा। ए, इसका भी मैं कर लेता हूँ ओपन, यही मैक्स फाइल मिली है मेरे ख्याल से, मटेरियल के साथ साथ मैक्स फाइल में अप्लाई करके दिया हुआ है, ओके इस तरह से, यानी टाइलिंग पूरा की गई है इसमें। ओपन करके देखता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देता हूँ एंड इसको ओपन करके देखता हूँ, ओके ये पुराने वर्जन में ओपन नहीं हो, ये वर्जन में ओपन हो, यानी कि आपका 2017 होना चाहिए या फिर 18 होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको मैं करता हूँ, मैं अपना जो वाला मटेरियल है मैं यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ, अगर आपके पास 2017 है, दो वर्जन साथ में आपको डाउनलोड करके रखें, एक हायर वर्जन एक पुरानी वर्जन, अगर आप पुराने वर्जन में वॉक करते हो तो उससे वाह क्या बात है। देखिए पूरा टेक्सचर किया हुआ है, मटेरियल डाला हुआ है पूरे, आई थिंक इसके अंदर भी मटेरियल जो डाला गया है मेरे ख्याल से उसका सेटिंग की गई होगी सब कुछ, क्या बात है, पूरा सेटिंग है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैप है, वो पूरा देखो ग्लॉसनेस वगैरह सब कुछ डाला गया है इसमें परफेक्ट, क्या बात है, पूरा सेटिंग किया हो गया फाइल में, सही है। तो डायरेक्टली आप पूरा पूरा अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, यानी कि टेंशन नहीं है कि कितना डिफ्यूज रखना है, कितना रिफ्लेक्शन रखना है, पूरा टाइल्स बना हुआ अलग टाइल्स का अलग अलग साइज़ का है, सही है। ये देखो अलग अलग टाइल है 2x2 की, ये काफ़ी बड़ी वाली 2x8x4 की ऐसा कुछ है, 8x2 की, 4x2 की, क्या तो मस्त मस्त, क्या बात है। तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा टाइल एक साथ में लगा लगा के फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी ये तो फर्स्ट क्लास है, ओके तो दो वर्जन का फाइल होना चाहिए इससे, जैसे कि मेरे को इसको 14 में ओपन करना है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके 14 में सेव कर सकता हूँ इसको, वैसे 2017 है मेरे पास, 2017 से ये 2014 में सेव होता है, यानी 4-3 स्टेप पीछे जा सकते हैं हम लोग, यानी 2014 में मैं इसको सेव कर लूँगा तो मेरा ये 2017 से 2014 में भी ओपन हो जाएगा आराम से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ 2014 के लिए एंड सेव, तो मैं इसको 2014 में भी आराम से ओपन कर सकता हूँ, मैं इसमें ओपन करके देखता हूँ ओपन हो रहा है कि नहीं, क्या बात है, सही है, कन्वर्ट भी हो गया फटाफट और सही से फर्स्ट क्लास।
2070 में आराम से यूज़ कर सकता हूँ, पूरा पूरा मटेरियल के साथ में आ गया, मटेरियल में भी मिसिंग कुछ नहीं हुआ, सही है। और आपका 2020 अगर आपके पास है, 2014 है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए 2014 के बाद 2017 के बाद 2020 में आप तीन, मैंने इसलिए सॉफ्टवेयर तीन डाल के रखा हूँ मैंने, तो इससे क्या होता है कभी हाई वर्जन का तो उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ लोअर वर्जन में, काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए। 2020 का कोई फायदा है तो 2020 से 2017 में करता हूँ, 2017 से फिर 2014 में करता हूँ, क्योंकि तीन स्टेप ही पीछे जा सकते हैं ना सेवेस करके, तो इसलिए वैसे कर सकते हैं इजी तरीके। जैसे देखो यहाँ पर सेवेस करने पर सिर्फ तीन ही स्टेप आता है, यानी कि आप 2016 में जा सकते हो, 15 में जा सकते हो, 14 में जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जा सकते हो। बस 2020 में भी कहाँ तक जा सकते हैं, 2020 से 2019, 18 और 17 में जा सकते हैं सेवेस करके। तो फिर बस, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जा सके कि हम लोग 50% ऑफर पे कहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी सस्ते मिल रहा है पिक्सेल वेबसाइट पे, कोड में डाल दो बस, काफ़ी हैवी वाली फाइल भी आपको 50% ऑफ में मिल जाएगी यार, क्या बात है यार, यानी 300 की फाइल 150 में मिल जाएगी, मस्त, क्या बात है भाई, ओ भाई ओ भाई, ठीक है। तो ये आप जाके वहाँ पर ले सकते हो। और मैंने एक और चीज़ बता दी कि हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं लोअर वर्जन में, अगर आपका हायर वर्जन है तो आपके पास TD Max 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, स्टेप्स आप पीछे कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।